एसपी रामपुर सहित टीम को किया सम्मानित। यूपी के रामपुर में हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को दिया नगद 20,000 का इनाम। आज तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक फैजल खान लाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी डॉक्टर अजय पाल की मौजूदगी में मासूम बच्ची जोया हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को नगद 20,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। जी, क्या मामला है सर? थाना क्षेत्र सिविल लाइन में 7 मई को एक बच्चे के मौजूदगी की सूचना दी गई थी, जिसमें बच्चे के अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी में कार्रवाई करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बच्चे की डेड बॉडी बरामद की गई देवी फॉर यस्टरडे, और उसी में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है, और तत्काल उसकी गिरफ्तारी करने के और क्योंकि मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ में उसकी, जिसमें उन्माश के कारण कई गोलियाँ लगी हैं, और जिससे उसको अरेस्ट किया गया। फिलहाल इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। इसी में समाज के कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें फैजल ने के द्वारा और कुछ अन्य उनके साथियों के द्वारा पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो हमारी पुलिस की टीम है वो अच्छी कार्रवाई करेगी, अच्छा कार्य करेगी। जनहित। कप्तान साहब को सम्मानित किया है आपने, क्या है, क्या जानकारी देना चाह रहे हो? देखिए, एक घटना 7 मई को रामपुर में हुई थी, जिसमें एक 5 साल की बच्ची को किसी अपराधी ने अगवा किया था और उसके बाद रेप करके उसकी हत्या कर दी। बच्ची की बॉडी बरामद हुई है, लेकिन जैसे ही बच्ची की बॉडी बरामद हुई तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उस अपराधी को न सिर्फ पकड़ा है, बल्कि उसने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया तो पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में उसके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। वो अपराधी आज जेल के सलाखों के पीछे है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, तमाम इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन पुलिस ने जिस तेजी के साथ और मुस्तैदी के साथ घटना का खुलासा किया है, जोया के हथियारों को पकड़ा है और जेल के पीछे पहुंचाया है, ये बहुत सराहनीय काम है पुलिस का कि पुलिस ने मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाला है। तो इसको लेकर आज हमारी तंजीम तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी ने न सिर्फ एसपी रामपुर बल्कि उनकी पूरी पुलिस टीम को सम्मानित किया है, क्योंकि इस बच्ची का पता बताने पर ढूंढने के ऊपर मैंने 20,000 रुपये का इनाम रखा था, तो वो इनाम की नगद धनराशि मैंने पुलिस अधीक्षक की उस टीम को दी है, जिन्होंने इस घटना का खुलासा किया है।